एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेवल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल फंड गुरुजी पे। तो कैसी है मेरी फंड गुरुजी फैमिली, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो क्रूड के ऊपर मंडे के लिए जो एनालिसिस आपके लिए डाली थी उसके अंदर बोला था दोस्तों यहाँ पर एक चैनल दिखाई दे रहा है, इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट फिर 6555 की तरफ जा सकती है। और मार्केट बिल्कुल आप देख सकते हैं 6535 के आसपास घूम रही है, यानी कि 20 पॉइंट से हमारा पहला टारगेट यहाँ पर बचा हुआ है जो आ जाएगा। कितने पॉइंट की रैली की बात की थी हमने, तकरीबन दोस्तों 80 पॉइंट रैली की बात की थी और मार्केट ने 62 पॉइंट रैली ऑलमोस्ट कर चुकी है। तो ये है दोस्तों हमारी एनालिसिस, ये है हमारी एनालिसिस की ताकत। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ से किस तरह का मूवमेंट मार्केट कर सकती है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए चार्ट को करते हैं क्लियर और अब यहाँ से किस तरह के मूवमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ट्रेड लिया है तो बढ़िया पैसा आपने बना लिया होगा, यहाँ पर आई थिंक आपको एग्जिट करने के बारे में प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसको क्लियर किया तो फिर एक बड़ी रैली के लिए जा सकती है मार्केट। बड़ी रैली कहाँ तक, कम से कम कुछ नहीं तो इतनी हाइट को आप ऊपर ले जाकर ब्रेकआउट पर रख दो, ठीक है। यहाँ पर रख दो, इस वाले ब्रेकआउट एरिया पे, इस वाले एरिया के ऊपर रख दीजिए। आपको ऊपर की तरफ एक लेवल और दिखाई दे रहा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा लेवल है, वहाँ तक मार्केट अटेम्प्ट कर सकती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब फर्दर लॉन्ग करने के लिए, जो लॉन्ग कर रखे हैं ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम के लिए ये हमारा सी ट्रिगर पॉइंट होगा 6555 के ऊपर। 6555 क्लियर किया तो हम यहाँ से फिर से एक बड़ी रैली के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 6650 ये सेम डे आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, बोल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए मार्केट जा सकती है। काम कर सकते हैं आप, दो भाग में जाइए बेटर रहेगा। सेकंड टारगेट ये रहेगा, एक रेजिस्टेंस एरिया मुझे दिख रहा है वहाँ तक मार्क कर लीजिए। ये एरिया होगा 6600 फर्स्ट लेवल और वो ऊपर सेकंड लेवल, ये दो लेवल्स के लिए आप बैठे रह सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो 6555 के ऊपर, नीचे से जिसको मोमेंटम मिलना था बढ़िया मोमेंटम मिल चुका है। डाउन साइड के लिए नेगेटिव ट्रेड के लिए 6500 ब्रेक होने के बाद में हम डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। पहला टारगेट सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, मेरे लिए यही रहेगा 6420 फर्स्ट लेवल और फिर नीचे की तरफ जो डेलो खड़ा है 6360 सेकंड टारगेट, आखिरी टारगेट डन फॉर द डे करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।